हेलो टू ऑल ऑफ यू माय नेम इज नेतु कुमार वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की शानदार सी दुनिया में आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का भाइयों का बहनों का और साथियों का स्वागत है मैं कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हम लोग कर पाए सभी भाइयों को जय हिंद कैसे हो राधे राधे एक बार सभी के सभी साथी आ जाइए बेहतरीन तरीके से सारे के सारे साथियों आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही प्यारा एनवीएस के लिए टेस्ट आज का लेवल कैसा रहेगा ये तो आप लोग खुद ही जानेंगे तो फिलहाल लास्ट दो दिनों से साथियों लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन सारी चीज़ें कर रहे हैं एक बार सारे के सारे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद क्या क्लास की स्टार्टिंग की जाए मुझे आज कई दो तीन बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद पहले पहले स्टार्टिंग में नहीं आते थे ये क्लास बाद में लेते थे लेकिन अब समय ज़रूर आ गया है हाँ क्लास को जल्दी लेने का तो पहले जरा होमवर्क के क्वेश्चन कर लें उससे पहले मैं बता दूं जिस भी भाई ने अभी तक एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर इट इज फ्री फॉर यू ये फ्री है आप सभी के लिए ठीक है आज का लेवल हम लोग नॉर्मल लेवल रखेंगे क्योंकि दो दिन से साथियों को ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा तुम्हारा होमवर्क से जो क्वेश्चन होंगे है ना बच्चों सारे के सारे एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी आंसर करिए प्यारा सा प्रश्न है देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे नॉर्मल लेवल है साथियों आज का बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं मैं मैं आ, सभी के सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा जल्दी से जल्दी सारे के सारे देखो सभी साथी बिल्कुल फोकस हो जाओ क्योंकि इसी एग्जाम इसी आ, क्लास से एनवीएस भी होगा सुपर टेट भी होगा साथियों आप लोगों का यूपी टेट भी होगा यूपी टेट नहीं सुपर टेट होगा और साथियों डी ट्रिपल एस भी ये साथियों तीन आप लोगों का मैंने आ, टीचिंग वालों आप लोगों के लिए यहाँ से क्लासेस रखी हैं तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आंसर कीजिए पहला ही प्रश्न सारे के सारे एक बार बेहतरीन कल वाला प्रश्न हो गया था भाई सबसे लास्ट में जो देखा गया था मैं बोलो गुरु जी कुछ था वो प्रश्न है सारे के सारे आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी पहला प्रश्न भाई आंसर करो देखते हैं भाई कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे सर इसमें टीचिंग का ऑप्शन तो है लेकिन ओनली टेट के लिए बट सॉरी आई सर लेवल हाँ रिशु जी अभी 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 एक आ, एक एक करके ऊपर चलेंगे सीढ़ियों पे टेंशन ना लो <laughs> हाँ, ये ध्यान से देखिए सारे के सारे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाइयों को नमस्कार जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन का लेवल प्यारा सा है जरा देखिए सभी के सभी साथी हाँ भाई किसी का आया जल्दी बताओ सारे के सारे क्या आ रहा है आंसर भी आ रहा है बंदना का जो कि आंसर है सही बंदना बहुत बढ़िया सभी का उत्तर अभी तक सही आ रहा है जरा एक बार चेक कर लेते हैं सभी के सभी साथी ध्यान से देखो सारे के सारे इजी क्वेश्चन है आज ज्यादा टफ नहीं है चलिए ध्यान से देखो सभी के सभी साथी क्या लिखा हुआ है टी आई सी आर ओ एन साथियों ई डब्ल्यू यू चलिए तो हुआ क्या है साथियों जरा देखिए सभी के सभी साथी, ज़िए साथी।, ज़िए साथी। स्टार्टिंग के लास्ट वाले बाबू इधर आ गए ये यहाँ पे देखो टी आई सी ये टी आई सी आगे आ जाइए ई डब्ल्यू स्टार्टिंग के इधर आ गए हैं एन ई डब्ल्यू और आर ओ साथियों आपका ये आ गया डन तो यहां से अगर देखा जाए ये कुछ साथियों आपका पहला ये आपका पहला ये साथियों दूसरा ये दूसरा ये तीसरा और ये तीसरा डन तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी लगाइए आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा साथियों साइटोकॉटिक साइकोटिक साइ, पी, एस वाई सभी के सभी साथी ध्यान से देखो सारे के सारे सी एच ओ टी आई सी है ना बच्चों चलिए ध्यान से देखिए सारे के सारे टी आई सी उठ के इधर आ जाएगा और आग भाई सभी के सभी साथी देखो इसमें जो है ना इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है तो तुम्हें उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा तुम्हें उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा ठीक है तो आप क्या काम करो इसको साथियों तीन को लो तो सी एच ओ और फिर इधर पी एस वाई ये आएगा इसका आंसर वी विल गो विद ऑप्शन नंबर साथियों आप लोगों के दो सी आएंगे दो सी आएंगे तो ये आपका आंसर सही है बच्चा है पहला वाला भी गलत है तीसरा भी और चौथा भी वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा सर आपको मेरा आंसर नहीं दिखाई देता है क्या क्यों नहीं दिखाई देता यार अब जरूर मतलब हद हो गई है तुम लोगों से भी चलिए वी विल गो विद ऑप्शन तो नंबर बी इजी क्वेश्चन था सारे के सारे हाँ भाई प्रिपरेशन से कौन सा शब्द मिलकर बनाया जा सकता है प्रिपरेशन से कौन सा शब्द मिलकर बनाया जा सकता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा किसी ने भी नहीं किया था लास्ट वाले क्वेश्चन का तुम लोगों को भाई क्या चाह रहे हो अरे जो होमवर्क दिया जाता है उसके आंसर क्यों नहीं करते हो तुम हैं न मान जाओ मान जाओ सारे के सारे आज लेवल थोड़ा सा नीचे कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था दो दिन तक बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई थी तो आज थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन ले आया हूं मैं आंसर कीजिए पैरट नहीं बनाया जा सकता ओके क्या नहीं बनाया जा सकता जी पैरट नहीं बनाया जा सकता इजी क्वेश्चन था बहुत बढ़िया पैरट चलिए देखो क्या लिखा हुआ भाई सारे के सारे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है अच्छा उल्टा पूछा हुआ है बनाया जा सकता है तो अगर मैं बोलूं पैम्पर पैम्पर में साथियों आप लोगों का एम आ गया इसी नहीं बनाया जा सकता रिपीट की बात करूंगा तो साथियों आर ई पी साथियों आर ई ई पी दो ए आ गए बेटा इसीलिए नहीं बनाया जा सकता और साथियों पार्टन में आई आ गए दो तो मुझे नहीं लगता ये नहीं पार्टीशन आंसर क्या हो जाएगा पैरट इसका आंसर बन जाएगा पैरट साथियों बनाया जा सकता पैरट आपका बनाया जा सकता ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इंटरवेंशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता आंसर करो बेहतरीन बेहतरीन आंसर कीजिए निशी जी आंसर करो सभी के सभी साथी सारे के सारे आज तब थोड़ी सी नसाज सी है नसाज मतलब कल समझते हो कल कुछ ज्यादा ही लोड पड़ गया भाई मैं सच बता रहा हूं अजीब आंसर कीजिए आंसर करो आ रहा है, नहीं बनाया जा सकता चलिए भाई एंटर बनाया जा सकता है साथियों पर आ गया बनाया जा सकता इनको बोलते हैं word formation. यह चैप्टर आता है वर्ड फॉर्मेशन शब्द निर्माण का चैप्टर है साथियों और इसी में ही अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है भाई चलिए आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी इक्यासी उनचास नौ भाई साहब देखो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चनों को करने में लेकिन हमने क्या तरीका बताया हमने तरीका बताया आप कुछ मत करो आप केवल ये देखो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐड करके किसका ज्यादा आ रहा है बोलो गुरु जी वर्टिकल करके ऐड आ रहा है तो आप वर्टिकली इसको करिए आंसर कीजिए नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते। भाइयों को मेरा जय हिंद आज का लेवल रखा है थोड़ा सा नीचे एज कंपेरिजन टू लास्ट टू क्लासेस हम लोगों ने लास्ट की दो क्लासेस में बट वी विल रिकवर सुन कल जो है फिर से ये ऊपर हो जाएगा आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से जल्दी, सारे के सारे ठीक है भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को नमस्कार आइए ध्यान से देखो इनको सभी को कुछ भी नहीं है हद हो गई है यार इनको जोड़कर देखना जरा इक्यासी उनचास और नौ को जोड़ो अस्सी और पचास एक सौ तीस और नौ साथियों छत्तीस एक सौ छत्तीस और चौसठ दो सौ पच्चीस और साथियों सोलह और साथियों बावन और पच्चीस सतहत्तर इसका आंसर सही हो जाएगा वी विल गो विद ऑप्शन नंबर साथियों बी इजी क्वेश्चन था सबको जोड़ने पर उत्तर आ रहा है सबको जोड़ने पर सबको जोड़ने पर उत्तर आ रहा है सभी के सभी भाइयों से बोलूंगा अगर ये नहीं हो पा रहा तो बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी भाई इकसठ और सोलह सतहत्तर इसका आंसर हो गया सही है भाई हो जाएगा अरे कर लोगे अभी भी नहीं हुआ इजी क्वेश्चन है ठीक है बच्चा सभी के सभी साथी आइए आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सभी के सभी आंसर करो हाँ भाई किसी सांकेतिक भाषा में किसी समीकरण के अनुसार दो चार छ तीन को छत्तीस लिखा जाता है ट्रिपल फाइव टू को साथियों आप लोगों का तीस लिखा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि तुम आंसर कर पाओ इस प्रश्न का इजी सा प्रश्न है आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे हाँ भाई आंसर करो सभी के सभी साथी आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे आंसर करो जल्दी से जल्दी सारे के सारे आंसर कीजिए यार कल ज़्यादा ज़्यादा ही पड़ गया कुछ मतलब बहुत मतलब बहुत ये बहुत दिनों बाद हुआ अजीब सा हो रहा था कल रात्रि में तो हमने कहा ठीक है हमने फिर मतलब चीजों को मैंने कहा रन करो अभी देखते हैं आंसर कीजिए सारे के सारे प्यारा सा प्रश्न है सभी के सभी साथी चलिए भाई छत्तीस आ रहा है लेट मी चेक फर्स्ट ओके अगर मैं देखू सभी भाइयों से यहां पर देखो ट्रिपल फाइव दिया हुआ है और ट्रिपल फाइव से तीस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कैसे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे इनको जोड़ना जरा भाई साहब पांच तीन पंद्रह पंद्रह दूनी तीस हो रहा है चलिए मतलब हो क्या रहा है अगर देखू इनको शुरू के तीन को आपस में जोड़ना है शुरू के तीन को आपस में जोड़कर साथियों आपके चौथे वाले से मल्टीप्लाई कर देनी है तो अगर कितना आ, 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 आ देखूंग पांच, पांच प्लस का पांच और मल्टीप्लाई कर देनी है साथियों दो से तो पंद्रह दो नहीं तीस आगे आ जाइए सारे के सारे साथियों छह प्लस का सात प्लस का तीन तो कितना हो गया छह सात साथियों तेरह और तीन साथियों आपका सोलह और 16 दुनी मेरे लाल कितना हो जाएगा यहां पर 32 प्यारा प्रश्न था 32 इसका आंसर होगा है 32 इसका आंसर होगा बेटा 32 32 इसका आंसर आएगा विच इज नॉट इन द ऑप्शन यहां पर दो कट गया सबको नंबर मिल गया सबको नंबर मिल जाएगा सबको नंबर मिल जाएगा बत्तीस आएगा बेटा बत्तीस 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 ठीक है बच्चा बत्तीस इसका आंसर होगा बत्तीस बत्तीस विल बी द राइट आंसर बत्तीस इसका आंसर सही है हमारे जो टाइपिस्ट है वो दूसरे गोले से आए हमारे टाइपिस्ट दूसरे गोले से आए हैं अगर क्वेश्चन चेक ना हो तो ऐसा हो जाता कभी कभी <laughs> समझ रहे हो तुम तुम, तुम तो टेंशन मत लो सही है भाई अगला करें सारे के सारे चलिए भाई सभी के सभी साथी इजी इजी क्वेश्चन है आंसर करो सारे के सारे माइनस का मतलब गुणा गुणा का मतलब प्लस प्लस का मतलब भाग भाग का मतलब माइनस आपको बताना है बयालीस गुणा बारह प्लस तीन माइनस का छह भाग साठ इसकी वैल्यू बतानी है और आज मुझसे कोई नहीं कह सकता कि सर हमारे पास में वो नहीं है कॉपी कलम नहीं है क्योंकि मैं दो दिन से कॉपी कलम पहले ही बोल दे रहा हूं लेने के लिए सारे के सारे बच्चों जल्दी से बनाइए सभी के सभी साथ आंसर कीजिए यदि माइनस की जगह गुणा है गुणा का मतलब सारे के सारे बनाओ आंसर कीजिए क्या वो पीके है नहीं वो उससे ऊपर है वो के पी है बेटा <laughs> कमल पंत नाम है उसका आंसर करो फिलहाल ही मजाक <laughs> आंसर कर बच्चों चार आ रहा है यार तुम लोग कॉपी पेस्ट करते हो ना नालायकों अगर आपकी तुमने कॉपी पेस्ट करा फिर बताऊं चलो देखो जरा इधर आइए जल्दी से जल्दी यहाँ पर मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है प्लस सही है मल, और प्लस का अर्थ दे रखा है भाग माइनस का अर्थ दे रखा है, गुणा, और भाग दे रखा है करो जल्दी से, सारे के सारे यू विल गेट योर आंसर है ना यहां से देखिए सबसे पहले बोर्ड मास साथियों आपको मैं बता दूं ये होता है बी बोर्ड मास बी बोर्ड मास बेनिकुरम बोर्ड मास होता है साथियों अब इधर आ जाओ बी का मतलब होता है साथियों बार फिर होता है ब्रैकेट साथियों फिर होता है ऑफ ऑफ में कई सारी चीज आती है रूट क्यूब और साथियों वर्ग डिवाइड होता है साथियों मल्टीप्लाई होता 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 है एडिशन होता है होता है एडिशन एंड देन लास्ट में ठीक है तो आप इसको जब अप्लाई करोगे तो यहां से कितना आ गया बेटा चार आ गया और अब मल्टीप्लाई करोगे पहले क्या करोगे साथियों मल्टीप्लाई क्योंकि चार से छह की मल्टीप्लाई करेंगे छब्बीस साथियों छब्बीस और यहां पर चौसठ चौसठ में से साठ गया यू विल गेट योर आंसर फोर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डन हो जाएगा सही है भाई दीनानाथ जी कला बहुत याद किए जा रहे थे भाई साहब सच बता रहा हूं मैं आंसर कीजिए एक बिंदु से शुरू करने के बाद में ए पूरब की ओर तीन किलोमीटर चलता है फिर अपने बाएं मुड़ता है और तीन किलोमीटर चलता है फिर साथियों इसके बाद में बाएं मुड़ता है और तीन किलोमीटर चलता है मतलब क्या ये चलता ही जाएगा क्या आगे आ जाओ फिर प्रारंभिक बिंदु से ए किस दिशा में है बहुत बढ़िया आंसर कीजिए सभी के सभी साथी आंसर करो जल्दी से जल्दी बेहतरीन सारे के सारे हो जाएगा आंसर करो चलिए भाई आंसर करो भाई अभी तक नहीं आया नालायक को समय हो गया है देखो जरा एक बिंदु से स्टार्ट करने के बाद में एक साथियों पूरब दिशा की ओर जाता है साथियों कितना जाता है बेटा ए जो है वो पूरब दिशा की ओर चार किलोमीटर कितना तीन किलोमीटर गया कितना साथियों तीन किलोमीटर डन उसके बाद में वो बाएं मुड़ा और तीन किलोमीटर गया बाबू बाएं मुड़ा फिर तीन किलोमीटर अच्छा जी बाएं का मतलब साथियों वो बाया कुछ इधर होगा एंटी क्लॉक बाइज साथियों कितना साथियों बाया सेम बनाना तीन तीन किलोमीटर को चलिए तीन किलोमीटर दाया इधर होता है बाया इधर होता है आगे आ जाइए फिर से बाएं मुड़ा जी तीन किलोमीटर गया भाई फिर से बाएं मुड़ा और तीन किलोमीटर गया भैया देखिए सबसे पहले बाएं मुड़ा फिर, फिर फिर थीन, फिर फिर तो तीन 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 तो बार ऐसा हुआ अब वो साथियों अपने प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में साथियों वो होगा उत्तर दिशा में कहा होगा साथियों उत्तर दिशा में कहा होगा बेटा उत्तर में नॉर्थ अगर साथियों अगर आप ईस्ट वालों तुम्हारा दिमाग खराब है मान जाओ बेटे नॉर्थ होगा ईस्ट इधर देखो सारे के सारे ये कौन है अरे मान मान जाओ जाओ ऐसे प्रश्न गलत करोगे तुम फिर कैसे फाइट कर पाओगे चीजों में आइए ये तरीका हो गया अब दूसरा तरीका क्या है साथियों आप लोगों ने देखा ईस्ट डायरेक्शन है कैसी है साथियों ईस्ट सबसे पहले लेफ्ट घूमा फिर लेफ्ट घुमा फिर लेफ्ट घुमा इसका मतलब तीन लेफ्ट का मतलब एक बार राइट होता है बोलो हाँ ना तो तुम साथियों कितनी बार घुमाए तीन बार घुमाए दो बार ही तो बाएं घुमा यार एक रुको सबसे पहले बाएं घूमता है फिर बाएं घूमता है ना हो जाना। दिशा की तीन किलोमीटर यात्रा कर रहा फिर बाएं घूमता है फिर बाएं घूमता है सही तो है ही मैं कुछ दूसरा तरीका अपना रहा था मैं कुछ दूसरा तरीका अपना रहा था चलो फिलहाल सारे के सारे ठीक है अच्छा वो यात्रा ही पूरब दिशा की ओर करने लग गया ना हाँ ठीक है यही इसका आंसर होगा फिलहाल ठीक है बच्चों अगला प्रश्न आइए सभी के सभी साथी आंसर करो जल्दी से जल्दी राम पंद्रह किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है फिर बीस किलोमीटर साथियों चलता है आंसर कीजिए सारे के सारे सभी के सभी साथी आंसर कीजिए की सारे, सारे।, की सारे के सारे आंसर कीजिए आंसर कीजिए सभी के सभी साथी सारे के सारे आंसर करो बाबू इसमें एक कॉन्सेप्ट छुटा हुआ है कि राम पंद्रह किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है सारे के सारे फिर दाएं मुड़ता है फिर साथियों यहां से सारे के सारे आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी बेटा दाएं मुड़ रहा है हर बार दाएं मुड़ना है हर बार दाएं मुड़ला है ध्यान रखना इस बात का दाएं।, दाएं, दाएं मुड़ता है और बीस बीस मीटर चलता है आंसर कीजिए सही है भाई सारे के सारे चलिए मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है ध्यान से देखो राम पंद्रह मीटर उत्तर दिशा की ओर चला कितना साथियों पंद्रह मीटर उत्तर दिशा की ओर चला कितना बच्चों पंद्रह मीटर उत्तर दिशा की ओर चला अब फिर उसके बाद में वो दाएं मुड़ा साथियों फिर बीस मीटर चला कितना बेटा बीस मीटर फिर साथियों वो मुड़ता है दाएं और साथियों आपका 10 मीटर तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज 10 मीटर ये आपका एक्स्ट्रा आएगा पांच ध्यान रखना ठीक है बच्चों अब फिर से दाएं मुड़ेगा साथियों तो दाएं का मतलब मेरे लाल दाएं का मतलब आपका क्लॉकवाइज ही होता है तो कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा साथियों सपोज कितना फिर से 20 अब आपका बोला है वो मूल बिंदु से किस दिशा में है मेरे मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है ये टोटल थी 15 ये कितनी बचेगी बेटा पांच आंसर क्या होगा इसका पांच पांच इसका आंसर सही हो जाएगा पांच किलोमीटर इजी प्रश्न था बहुत इजी प्रश्न था बहुत इजी प्रश्न था जल्दी से आंसर कीजिए सारे के सारे कथन दिया हुआ है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथ सारे, सारे के सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका है रिजल्ट सारे के सारे मेरे लाल जल्दी से जल्दी कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल राष्ट्रीय संपत्ति है निष्कर्ष का मतलब होता है रिजल्ट क्या होता है साथियों रिजल्ट क्या होता है बेटा रिजल्ट रिजल्ट क्या दिया हुआ है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है आंसर कीजिए भाई चलिए भाई आंसर करो सभी के सभी साथी आंसर कीजिए हाँ भाई आंसर करो सारे के सारे बोथ ट्रू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी शानदार बिल्कुल सही बात है सारे के सारे बेटे भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी साथियों तो संग्रहालय तो ये भी राष्ट्रीय संपत्ति है तो आगे लिखा है भाई निष्कर्ष क्या है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है बिल्कुल सही बात है साथियों दूसरा राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति केंद्र द्वारा साथियों आपकी संरक्षित है बिल्कुल सही बात है साथियों तो आंसर हो जाएगा पोथ फॉलो क्या हो जाएगा पोथ फॉलो इजी क्वेश्चन था अरे बोलो सारे के सारे हो जाएगा सभी से कर लोगे डन तो हम लोगों ने एक आदत सीखी है इस क्लास में कि हम लोग ना चीजों को बस समझेंगे हम लोग साथियों ये नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है तो छोड़ देंगे ना आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी साथियों पैर फुट किससे संबंधित है जब हाथ रिस्ट से संबंधित है रिस्ट चिटियां कलाईयां समझ रहे हो ना तुम आंसर करो सारे के सारे जल्दी से जल्दी आ सभी के सभी साथी अरे पैर किससे संबंधित है जब साथियों कलाई हाथ से संबंधित है तो आओ भाई एंकल आ जाएगा एंकल एंकल इसका आंसर सही हो जाएगा एंकल साथियों अरे साथियों एंकल एंकल क्या होता है साथियों मैं तुम्हें कैसे बताऊं टकना के नीचे टकना नहीं इसे मतलब अरे एडी जो होती है एंकल कहते हैं उसे है ना एंकल सही है बच्चों लेंथ गलत गलत हो हो जाएगा जाएगा सूज लेग गलत हो जाएगा थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए वरना चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है आई आंसर कीजिए चेयर साथियों लकड़ी से संबंधित है भैया चेयर किससे बनती है हाँ भाई सारे के सारे चेयर लकड़ी से बनती है तो उसी प्रकार साथियों बुक प्रिंट से मिरर ग्लास से प्लेट फूट से पर्स बनी आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दीनानाथ जी कंपटीशन रख ले तुम्हेंदार शानदार शानदार परफॉर्मेंस देते हुए मेरे लाल मेरे लाल जिस प्रकार चेयर जो है वो लकड़ी से संबंधित है उसी प्रकार शीशा साथियों किससे बनता है ग्लास से बनता है बहुत बढ़िया सारे के सारे अगला आ जाइए जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी हाँ भाई एजुकेशन जिस प्रकार कुछ इससे संबंधित है तो इंटेलिजेंस किससे संबंधित होगा इंटेलिजेंस किससे संबंधित होगा आंसर करो आंसर कीजिए आंसर करो बच्चों आंसर कीजिए भाई सी 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 कुछ भी नहीं है उल्टा लिखा गया है साथियों एजुकेशन को आपको उल्टा लिख दिया है ई डी यू सी ए टी आई ओ एन अगर इंटेलिजेंस की बात करेंगे बच्चों तो उल्टा लिखिए इंटेलिजेंस को यू विल गेट योर आंसर ई आ जाएगा सी आ जाएगा एन आ जाएगा ई e, आ जाएगा जी आएगा एल आएगा एल e, आएगा ई आएगा टी आएगा एन आएगा और आई आएगा तो फिलहाल तो ये है कि आंसर जो हो जाएगा साथियों आप लोगों का आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा डन सही है भाई बी वालों कोई 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 बात नहीं सब सही हो जाएगा कोई, कोई टेंशन नहीं सब सही हो जाएगा चलिए भाई आठ को छियासठ लिखा जाता है तो किसको अड़तीस के अड़तीस लिखा जाएगा आंसर कीजिए भाई बेहतरीन तरीके से सारे के सारे आंसर करो जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथियों चलिए भाई आंसर कीजिए बेहतरीन तरीके से छोड़ा आ रहा है इन लोगों का बहुत बढ़िया जी छह सही हो जाएगा रीजन समझो सारे के सारे बेटा आठ, आठ प्लस का दो, तो का, का दो करोगे आपका आंसर आएगा ठीक है तो आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा क्या होगा बेटा बी बी इसका उत्तर सही हो जाएगा डन हा भाई सभी को समझ में आ रहा है जल्दी से जल्दी चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करो सारे के सारे कोबलर साथियों आप लोगों का लेदर से संबंधित है तो कारपेंटर किससे संबंधित है सभी के सभी साथी सारे के सारे सभी के सभी साथी बाबू मोची जो है वो आपका लेदर से संबंधित है कारपेंटर किससे संबंधित है आंसर कीजिए सारे के सारे बाबू रो मटेरियल होता है आप लोगों का लेदर और कोबलर के लिए तो आप बताइए कारपेंटर के लिए क्या होगा बेटा लकड़ी क्या होगा बाबू लकड़ी लकड़ी फर्नीचर वालों हैमर और चेयर गलत है आपका आंसर 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 लकड़ी इसका लकड़ी लकड़ी इसका इसका सही होगा होगा बिल्कुल ठीक हो ठीक है भाई अगला प्रश्न आइए सभी के सभी सब सार। सारे के सारे चलिए पहले इसका आंसर करो जल्दी से जल्दी देखते हैं भाई कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे प्यारा सा प्रश्न है आठ पंद्रह पच्चीस छत्तीस सब है जाओ इससे क्या हो सकता था तीन सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए विद इन थ्री सेकेंड्स थ्री सेकेंड्स में आंसर आ जाना चाहिए विद इन थ्री सेकेंड्स मैं लास्ट में जो कल प्रश्न दिया था वो वाले उसका आंसर करके जाऊंगा लास्ट में जो प्रश्न दिया था कल उसका आंसर करेंगे जल्दी से देखिए ये पांच का स्क्वायर है छह का स्क्वायर है सात का स्क्वायर है आठ का स्क्वायर है नौ का स्क्वायर है साथियों दस का स्क्वायर बट यहाँ पर यह घन हो रखा है तो ये तो साथियों आपका आंसर ही नहीं होगा किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन किसके होगा साथियों ए ऑप्शन की तरफ होगा जल्दी से आंसर करेंगे कितने एम ऐसे हैं जिनके पहले डब्लू और बाद में बी आता है मैं राजधानी क्यों पकड़ लेता हूं मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो एक मेरे एक एक की मेरे पे मैसेज आया कि सर मैंने कहा बोला सर स्पीड बहुत तेज हो जाती है आपकी कभी कभी तो मैंने कहा क्या करें बबू आप अगर तेज़ नहीं चलोगे तो दुनिया आपसे पीछे हो जाएगी क्या आपसे पीछे हो जाएगी आप तेज़ नहीं चलोगे तो हैं बेटा दुनिया तभी पीछे होगी जब आप तेज़ चलोगे तो बच्चों आपको अपनी स्पीड तेज़ करनी है हम हमें अपनी स्पीड तेज़ ही रखनी है क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत डीपली होते हैं तो मैं अपने हिसाब से स्पीड को देखता हूँ जब नॉर्मल होते हैं तो स्पीड तेज़ हो जाती है एक आ रहा है चलो एक बार चेक कर लेते हैं ध्यान से देखो भाई कितने एम ऐसे हैं कितने एम ऐसे हैं साथियों जिनके पहले डब्ल्यू आए और बाद में बी आई इसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ठीक है सर भी बेटा देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको इसको ऐसे करते हैं कि W के बाद में M डब्लू एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम, एम, एम देखो तुम बस बात खत्म डब्लू एम कहीं आ रहा है पास में भाई साहब एम डब्ल्यू नहीं डब्लू एम आना चाहिए ठीक है भाई अब जैसे देखो ध्यान से ये भी नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर बी आना चाहिए ठीक है बच्चों ये भी नहीं होगा आगे आ जाओ एक है ये ये होगा साथ में ठीक है बच्चों ये आगे आइए सारे के सारे भाई साहब आगे चेक करो भैया ये भी नहीं होगा ध्यान रखना सारे के सारे ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो केवल एक आएगा इसका आंसर कितना आएगा बच्चों एक सही है भाई अच्छा थोड़ा लेफ्ट करूं ठीक है बाबू अभी करते हैं लेफ्ट चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए सारे के सारे डिक्शनरी अरेंजमेंट है थोड़ा सा लेफ्ट कर लो अब सही है क्योंकि वो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डिक्शनरी अरेंजमेंट के अनुसार रखना है, इनको डिक्शनरी अरेंजमेंट के अनुसार रखिए सारे के सारे यश कुमार आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट अरे अब तो अच्छा सा लग रहा है ना इजी हो गए क्वेश्चन है बोलो गुरु जी नहीं अब हमें आदत हो गई क्वेश्चन की प्लीज वही क्वेश्चन लाइए <coughs> प्रियंका संदीप निशी सैलेश क्या नहीं बताना चाहते हैं सैलेश जी ठीक है सी आंसर कर रहे हैं एक बार देखो जरा ध्यान से एक्वियस और साथियों इनमें अगर देखो बचपन में पिताजी जो है ना साथियों बचपन में पिताजी जब डिक्शनरी लाते थे तो डिक्शनरी में खास बात होती थी कि ए वाले लेटर पहले आते थे जेड वाले बाद में आते थे और ए में ही अगर जैसे ए आई बी ए बी होता था तो पहले ये आता था फिर ये आता था उसका रीजन था अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो इनका प्लेस प्लेस ऑर्डर होता है क्या होता है साथियों हो? प्लेस ऑर्डर होता है तो अगर मैं बोलू ए क्यू यू जो है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए क्यू यू ए क्यू यू सब में कॉमन है सब में सब में ए क्यू यू कॉमन है अगर देखा जाए ई कितने पर आएगा बोलो गुरु जी पांच पर अब दो दो लिख लो एक साथ पांच और पंद्रह आगे आइए एक और अठारह दो दो एक साथ लिख लो भाई आई कितने पर है नौ पर एल कितने पर है बारह पर अरे इससे तो इसका ऐसे ही काम हो जाएगा भाई ऐसे तो भाई एक सबसे पहले आएगा या पांच या नौ बोलो गुरु जी एक आएगा अब एक के बाद में भी कौन आएगा अठारह पहले आएगा या बीस पहले आएगा बोलो गुरु जी अट्ठारह तो सबसे पहले आएगा दूसरा ऑप्शन फिर आएगा चौथा ऑप्शन फिर आएगा साथियों आप लोगों का पहला ऑप्शन देन आएगा लास्ट में साथियों तीसरा तो चौबीस तेरा आएगा इसका आंसर बिच इज एन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है भाई ऑप्शन नंबर सी आ, मेरे भाई सुन 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 लाल तू ना इसको कमेंट ऑफलाइन कमेंट में डाल दियो अभी मेरा मेरा समय ये है अभी मेरा समय चल रहा है जब तुम्हारा आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा ठीक है बाबू चलिए एक साथियों लॉजिकल लॉजिकल सिक्वेंस में लगाइए जल्दी से जल्दी लॉजिकल सिक्वेंस में लगाइए सारे के सारे आंसर करो जल्दी से जल्दी सारे के सारे सभी के सभी साथी आंसर कीजिए सारे के सारे आंसर करो बच्चों सभी के सभी साथी ठीक है भाई आंसर कीजिए एक लॉजिकल सिक्वेंस में लगाइए सारे के सारे आंसर कीजिए आपके हजार बार बोला है जो भी डाउट होते हैं उनको आप अपने कॉपी पेन जो भी डाउट होते हैं आप लोग केवल क्या किया करो आप ऑफलाइन कमेंट में कर दिया करो आपको साथियों बिल्कुल सबका सोल्यूशन मिल जाएगा ऐसा आज तक नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा मेरे लाख सभी के सभी साथी सही है भाई जरा देखो सबसे पहले क्या होगा जल्दी से जल्दी सारे के सारे बोलो गुरु जी हिंदी में होता तो बेहतर था है अच्छा सभी साथियों से बोलूंगा डॉन होता है साथियों सुबह का सुबह का टाइम तो सबसे पहले आएगा आपका डॉन फिर उसके बाद में आएगा नून क्या आएगा बेटा नून फिर उसके बाद में ध्यान से सुनो ट्यूलाइट क्या होती है मूवी ट्यूलाइट बोलो आए ना बाबू ट्यूलाइट ट्यूलाइट होता है शाम का समय और रात से पहले का टाइम ठीक है बाबू ट्यूलाइट फिर उसके बाद में आएगा रात रात है ना तो इकतीस इसका भी बत कितना हो जाएगा साथियों आपका तेईस चौदह तेईस चौदह मतलब का का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? बीस का आंसर हो हो जाएगा 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 कितना बेटा सही है भाई सेल भी? थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा बच्चों आइए आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी इसका भाई का भी मैं जरा देख लू क्या लिखा हुआ है इसने पहले तुम इसका आंसर करो सभी के सभी साथी सीरीज का क्वेश्चन है आंसर कीजिए आंसर करो भाई आंसर कीजिए भाई तीस आ रहा है भाई तीस आ रहा है चलिए जरा देख लेते हैं एक बार सारे के सारे सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना बस इसमें गैप ढूंढो आपका आंसर आएगा क्या गैप ढूंढने से आंसर आ जाएगा क्या <coughs> गैप ढूंढने से आंसर आ जाएगा क्या सारे के सारे सभी के सभी साथी और हमारा लैपटॉप हो चुका है बंद भाई बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सारे के सारे ठीक है बच्चों सारे के सारे ध्यान से देखो गैप ढूंढो एक का गैप है कितने का गैप है बेटा एक का गैप है आगे तीन का गैप है आगे पांच का गैप है आगे सात का गैप है आगे नौ का आएगा बाबू तो नौ का आएगा तो सीधी सी बात है सीरीज जब इजी हो जाती है जब आप डिफरेंस ढूंढ लेते हो जब भी सीरीज स्मूथ हो आप लोग डिफरेंस ढूंढो और जब भी सीरीज साथियों आप लोगों की जंप कर रही हो तो आप लोग साथियों क्या देखो मल्टीप्लाई जब भी जिग जैग कर रही हो तो साथियों एक से अंतर देकर देखो आपका काम आसान हो जाएगा ठीक है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी से जल्दी चार ग्यारह तीस सिक्सटी सेवन वन टू एट आंसर कीजिए भाई बेहतरीन तरीके से सारे के सारे के। आपके कमेंट मुझे अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि लैपटॉप ऑलरेडी बंद हो गया मुझे समय लगेगा एक मिनट का आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर करो आंसर कीजिए बच्चों जल्दी से जल्दी सारे के सारे इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं दो तरीके से भी कर सकते हैं इसको सबाज। इजी क्वेश्चन जरा देखो मैं फिर से बोलूंगा इसको दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन जरा पहला तरीका देखो सारे के सारे मेरे लाल मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत आनी चाहिए थी हाँ भाई पहला तरीका तो है गैप देखे कर लो लेकिन ये स्पेशल नंबर लग रहे हैं ये एक का घन प्लस का एक नहीं लग रहा ये दो का घन प्लस का दो तीन नहीं लग रहा ये एक का घन प्लस का तीन दो का घन प्लस का तीन तीन का घन प्लस का तीन साथियों आगे आ जाओ चार का घन प्लस का तीन हो रहा है आगे आइए पांच का घन प्लस का तीन हो रहा है बेटे आगे आइए छह का घन प्लस का तीन हो रहा है तो दो सौ उन्नीस आएगा दो सौ उन्नीस साथियों सोलह प्लस का तीन करोगे यू विल गेट टू वन नाइन योर आंसर डन ठीक है साथियों तो प्राइम नंबर का था पिछले वाले में नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 अगर प्राइम नंबर का क्या ओ माई गॉड इनसे मिलो इनसे मिलो एक मिनट एक मिनट नालायक एक प्राइम नंबर होता है हाँ भाई एक प्राइम नंबर होता है क्या बच्चा जीरो और एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य अगर शुरू में दो का गैप होता तब यहां ग्यारह का गैप लेते कतई हद काटते हैं भाई चलो आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे आंसर करो आंसर कीजिए अंशिका लेट हो गई सही है भाई कर लोगे कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी कोई बात नहीं तीस ही था सर हाँ तो तीस तो आएगा यार हद होगी चलिए भाई डी आ रहा है एक बार चेक कर लेते लक्ष्मी मीनू से बड़ी है लीला मीनू से बड़ी है लेकिन साथियों लक्ष्मी से छोटी है बहुत बढ़िया लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है लेकिन मीनू से छोटी है इसे ही बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर और, और, और सिक्वेंस साथियों यहां मैं बता दूं यूपी प्लस पैड में एक सिक्वेंस चैप्टर दे रखा है वो ऑर्डर भी दे रखा है तो आप लोग दोनों देख लो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे लक्ष्मी मीनू से बड़ी है बेटा लक्ष्मी क्या है लक्ष्मी जो है साथियों आप लोगों का मीनू से बड़ी है जी किससे बड़ी है बेटा मीनू से किससे बड़ी है बाबू मीनू से बड़ी है बहुत बढ़िया जी आगे आ जाइए लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है तो मैं क्या काम करता हूँ लक्ष्मी को यहां रख देता हूँ और आगे आ जाओ जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी लीला को मैं यहां रख देता हूँ डन अब ध्यान से देखो लता मीनू और हरी दोनों से दोनों से छोटी है जी लता अब हरी से मीनू छोटी है आगे आ जाइए लेकिन हरी मीनू से छोटी है मीनू से छोटी कौन है जी हरी हरी मीनू से छोटी है लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है तो बेटा लता जो है वो मीनू और हरी तो बेटा यहां अब आ गया लता सबसे छोटा कौन है बोलो गुरुजी लता सबसे छोटी है लता लता सबसे छोटी है लता सबसे छोटी हो जाएगी क्या हो जाएगी साथियों लक्ष्मी लीला मीनू सही भाई हीरा हरी और साथियों आप लोगों का लता तो गो विद ऑप्शन नंबर साथियों डी सारे के सारे सही है भाई इजी है लता लता छोटी होती है सबसे हमारी मम्मी का नाम लता है और वो सबसे छोटी है आइए अक्षरों की पंक्ति में एक अक्षर बाएं छोर से पांचवा और साथियों दाएं छोर से बारवा है जल्दी से आंसर कीजिए पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं जल्दी से आंसर करो तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं ऑर्डर रैंकिंग में तीन प्रकार के ये साथियों पहले प्रकार का ही प्रश्न सर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल कर सकते थे आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे बेहतरीन तरीके से आंसर करो भाई अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाएं छोर से पांचवा दाएं छोर से साथियों बार है पंक्ति में कुल कितने अक्षर है जल्दी से देखो भाई साहब सुन लो सारे के सारे इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है टोटल बराबर ध्यान से देखो आज नई चीज सिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का वन क्योंकि एक ही अक्षर बोला गया है एक ही अक्षर बोला गया है तो दोनों के एक ही के बारे में लेफ्ट और राइट दोनों दिए गए हैं तो यहां से हो जाएगा बाएं से पांचवा दाएं से बारवा जब आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा सोलवा क्या हो जाएगा बेटा सत्रह में से एक जाएगा सोलह कितना आ जाएगा बेटा सोलह आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं जल्दी से बताइए सभी के सभी साथी साथील आंसर देगी सबसे पहले हाँ भाई यदि एक पंक्ति में साथियों एक पंक्ति में ए बाई छोर से साथियों लेफ्ट हैंड से साथियों उनतालीसवा है ध्यान से देखो सारे के सारे और बी साथियों दाई छोर से साथियों छोर से साथियों आप लोगों का कितना है सोलवा है कितना है सोलवा है कितना है साथियों सोलवा है और पंक्ति में कुल पंक्ति में कुल साथियों पंक्ति में कुल साथियों कितने लोग हैं जी पंक्ति में कुल साथियों इक्यावन लोग हैं तो बताइए साथियों पंक्ति में मिनिमम मिड में इनके बीच में ए और बी भी के बीच में कुल कितने लोग हैं ए और बी भी के बीच में कुल कितने लोग हैं कितने लोग हैं मिडिल में कितने लोग हैं ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं जल्दी से आंसर कीजिए हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन ए एंड बी अगर पंक्ति जो, जो है साथियों भाई साहब सभी के सभी भाइयों से बोलूंगा पंक्ति में ए बाई छोर से उनतालीसवा है बी जो है बाई छोर से साथियों सोलवा है टोटल इक्यावन लोग हैं तो बताइए पंक्ति में बीच में कुल कितने लोग हैं बंदना बिटिया आपको टोटल नहीं बताने आपने टोटल बता दिए क्या हद हो गई बंदना का तो उत्तर ही कौन से हिसाब से आ रहा है बंदना कह रही है चौरानवे बंदना कह रही है चौरानवे एक बात सुनियो जरा कुछ भी करोगे तुम लोग हैं जीवन में अरे टोटल इक्यानवे चौरानवे लोग बीच में बैठ जाएंगे बंदना साक्षी का बत्तीस आ रहा है देखो एक तरीका होता है इसमें ध्यान से देखो दो चीजें होती हैं सभी के सभी भाइयों से बोलूंगा अगर पंक्ति में दो लोग दे रखे हैं जैसे ए और बी अगर पंक्ति में साथियों तुमसे अधिकतर लोग पूछता है कि अधिकतम कितने लोग हैं अधिकतम मैक्सिमम कितने लोग हैं लिख लेना इसे जरा एक बार सारे के सारे तो मैक्सिमम कब होंगे जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप ना करें ये ए आ जाए यहां से साथियों ये बी आ जाए <coughs> और बीच में कुछ ना कुछ लोग आ जाए मिड में सही है भाई तो ये मैक्सिमम आएंगे ये कौन सा एंड है बोलो छोर है ये कौन सा है बाबू छोर है ध्यान से देखो सारे के सारे के बाबू अगर मैं बोलूंगा इससे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी बोलो ना और क्यों इसमें बीच वाला ऐड हो रहा है अगर साथियों तुमसे न्यूनतम पूछे कौन सा पूछे जी न्यूनतम कौन सा पूछे बेटा न्यूनतम कौन सा पूछे बाबू न्यूनतम पूछे कौन सा पूछे बाबू न्यूनतम पूछे न्यूनतम तो न्यूनतम के लिए तुम क्या करोगे जरा देखो सारे के सारे बेटा मिनिमम पूछे मिनिमम तो ध्यान से देखो अब मैंने बोला न्यूनतम कब हो गए जब साथियों ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए ए इधर आ जाए और साथियों आप लोगों का बी इधर आ जाए ए इधर आ जाए बेटा बी इधर आ जाए ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए क्या कर जाए बाबू ओवरलैप ए इधर आ जाए और बी आपका इधर आ जाए सही है तो मिडिल वाले लोग साथियों क्या होंगे आप घटाए जाएंगे क्या घटाए जाएंगे क्या होंगे क्या होगा साथियों घटाया जाएगा ध्यान से देखो सारे के सारे अब कितना घटा जाएगा इसके लिए अधिकतम के लिए अलग फॉर्मूला होता है न्यूनतम के लिए साथियों कम अलग फॉर्मूला भाई टोटल अगर इसमें देखा जाए टोटल पहले वाले में टोटल तो तुम यहां से लेकर यहां तक ए आएगा ध्यान से देखो यहां से लेकर यहां तक मिडिल वाला आएगा और यहां से लेकर यहां तक बी आएगा यह अधिकतम वाला हो गया अगर इसमें टोटल किया जाए तो कैसे करोगे ध्यान से देखो सारे के सारे भाई साहब सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक ए प्लस यहां से लेकर यहां तक बी अब तुम लोगों ने क्या किया माइनस करोगे मिडिल भाई मिड में जितने होंगे अब दो बंदे क्रॉस कर गए एक यहां से यहां तक इसको क्रॉस कर गया एक यहां से यहां तक ये यह क्रॉस कर गया तो कितने क्रॉस कर गए दो क्रॉस कर गए इससे वैल्यू कम से कम आती है कितनी आती है बाबू कम से कम आती है दो होगा रीशु का आंसर बिल्कुल सही है अब जैसे मैंने बोला इसमें साथियों क्रॉस कर गए तुम्हें खुद ही पता है क्रॉस कैसे करेंगे साथियों न्यूनतम वैल्यू कब आएगी जब इन दोनों का योग इससे ज्यादा आएगा तो क्रॉस ही तो करेंगे सीधी सी बात है भाई इन दोनों का योग इससे ज्यादा होगा तो न्यूनतम वैल्यू आएगी अरे खुद सोचो मैं उनतालीस और सोलह को जोड़ूंगा तो मेरा चौवन आ गया जी चालीस और पचपन आ गया ये तो वैल्यू ज्यादा हो गई तो साथियों कैसे निकालोगे बीच में कितने लोग होंगे आप लोग टोटल बराबर रखो यहां पर कितना है सभी के सभी साथी इक्यावन फॉर्मूला क्या है ये वाला लगाएगा भाई ए right प्लस बी साथियों साथियों से देखो सारे के सारे टोटल की वैल्यू कितनी है बेटा इक्यावन हां भाई लेफ्ट की कितनी है साथियों A की ये हो गया कुछ सोलह अब मिडिल याद करना है माइनस का दो हो जाएगा रीजन समझो जब माइनस खुलेगा ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का दो ठीक है बच्चों ये इधर आएगा यहां पर आ गया साथियों प्लस में आ गई वैल्यू अब पचपन में से दो जाएंगे तिरपन और त्रेपन साथियों आएगा मिडिल में वैल्यू कितनी होगी बाबू आपकी सारे के सारे भाइयों से बोलूंगा दो आएगी कितनी आएगी दो आएगी बेटा कितनी आएगी दो आएगी दीनानाथ दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा पागल आगल हो गया है क्या हाँ क्वेश्चन में पूछ रहा हूं अपने उसमें लगा हुआ है समझ में आया मिडिल में कितने लोग हैं मिड में अरे कितने लोग हैं मिडिल में केवल दो लोग हैं ठीक है बेटा तेईस आंसर कर रहा है कोई चौतीस कर रहा है पता नहीं किस हिसाब से करे पड़े किस हिसाब से करे पड़े कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को एक बार और अच्छा एक क्वेश्चन और करो चलो सारे के सारे बाबू एक बार और लो ध्यान से देखो सबसे पहले मैंने बोला तुम्हें आप लोग क्वेश्चन करो जल्दी से जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन कीजिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे एक पंक्ति में एक पंक्ति में जल्दी से जल्दी एक पंक्ति में एक पंक्ति में ए बाई छोर से ग्यारहवें नंबर पर है बी दाई छोर से बी दाई छोर से दी बी दाई छोर से बाबू दाई छोर से सातवें नंबर पर है सातवें नंबर पर यदि इन दोनों के बीच में यदि इन दोनों के बीच में दो लोग हैं इन दोनों के बीच में दो लोग हैं कितने साथियों दो लोग हैं तो बताइए पंक्ति में पंक्ति में बताइए पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने लोग हो सकते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा और न्यूनतम कितने दोनों वैल्यू बतानी है न्यूनतम भाई साहब दोनों वैल्यू बतानी है ज्यादा से ज्यादा भी और कम से कम भी आंसर कीजिए ज्यादा से ज्यादा तो सबसे पहले अधिकतम की बात करूं तो अधिकतम की बात करूं तो कैसे आएगा बाबू देखो इधर ध्यान से ध्यान से देखिए भाई ए सारे के सारे मेरे लाल ए लेफ्ट एंड से लेफ्ट एंड से ए कौन से नंबर पर है बोलो गुरु जी ग्यारहवें नंबर पर आइए और साथियों बी कौन से नंबर पर है बेटा बी कौन से नंबर पर आएगा बाबू सातवें नंबर पर राइट, राइट राइट एंड से इन दोनों के बीच में दो जने हैं कितने जने हैं दो तो अधिकतम वैल्यू कब आएगी जब ये एक दूसरे को क्रॉस ना करें तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला क्या है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस साथियों आप लोगों का मिडिल यही तो फॉर्मूला है साथियों तो आपका क्या करो ग्यारह प्लस का सात प्लस का दो ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई अठारह और दो उन्नीस उन्नीस लोग होंगे जो साथियों आपके मैक्सिमम है मैक्सिमम उन्नीस आएगा कितना आएगा उन्नीस आ रहा है नहीं बीस आ रहा है बीस 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 कितना आएगा बेटा बीस होगा मैक्सिमम मतलब यहां से लेकर यहां तक ये बीस होंगे साथियों कितने होंगे बेटा बीस ये हो गया जी मैक्सिमम मैक्सिमम अब मिनिमम की बात करूं मिनिमम की बात करूं किसकी बात करूं बाबू मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम के लिए क्या होगा जब ए इधर आ जाए और बी इधर आ जाए ए और बी इधर आ जाए और साथियों इनके बीच में कितने लोग हो इनके बीच में जी लोग हो आपके कितने दो तो so, साथियों इसके लिए कैसे करोगे आप ये ए और बी आपस में क्रॉस करके कितने जाने क्रॉस करके दो जाने क्रॉस कर गए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है साथियों साथियों टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिडिल प्लस का दो बस बात वैल्यू तो कितनी दो प्लस का दो तो साथियों आप लोग क्या करोगे अट्ठारह में से साथियों जब आप घटाओगे तो चौदह आ जाए सही डन कितना आ जाएगा बाबू चौदह आ जाए कितना जाएगा बेटा चौदह आ जाए समझ में आ रहा है सभी को बोलो बोलोगी रख के दिखाओ इसे प्रूफ करके देखो ध्यान से देखो यहां से लेकर यहां तक भाई साहब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने हैं तो साथियों ए वाले कितने ग्यारह और यहां से लेकर यहां तक इसकी रैंक कितनी है सात भाई साहब अगर आप यहां दो रखते हो तो काम नहीं बनेगा पहले क्यों इन दोनों को जोड़ो इन दोनों को जोड़ो कितना आ गया अट्ठारह अट्ठारह में से दो घटाओगे तो, तो सोलह ही आ रहा है बोलोगु जी आपका तो चौदह आ रहा है बाबू रीजन समझो आपको हाँ यहां पर पर्सन नहीं रखने होते यहां पर रैंक रखनी होती है क्या रखनी होती है बेटा रैंक क्या रखनी होती है बाबू रैंक रखनी होती है तो आप यहां पर दो इनके बीच में ऐसे दो नहीं रखोगे कभी दो रख लो ऐसे गलत हो जाएगा आपका आंसर ठीक है बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना यहां पर आपने चलो दो रख भी लिए चलो आपने दो रख भी लिए कितने रखे जी दो रख लिए तो यहां से ग्यारह और सात कितना हो गया बेटा अट्ठारह अट्ठारह में से तुमने दो घटाए क्योंकि ओवरलैप हो रहे हैं ना दो ओवरलैप हो रहे हैं तो दो घटाने पर तुम्हारा कितना आ रहा है सोला लेकिन अब तुम्हारा आंसर तो चौदह आ रहा था तुमने ये नहीं गिना कि एक आपने ये 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 ए वाला वाला भी 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 तो 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 घटाना घटाना पड़ेगा पड़ेगा आपको बी भी ओवरलैप भी तो कर गए तो साथियों दो और घटाएंगे इस प्रकार से ये बिना फॉर्मूले के हो गया ये बिना फॉर्मूले के हो गया डन तो आई थिंक आज का सेशन कैसा था अच्छा सा था बताओ सारे के सारे अब आ गया समझ में तो आप लोग यहां पर रैंकिंग ऑर्डर के तीन प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तीन ही प्रश्न होते हैं रैंकिंग ऑर्डर के एक प्रश्न और होता है वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है तीन प्रश्न होते हैं सभी के सभी साथी कि भाई साहब पहले तो आपको लेफ्ट दे रखा हो राइट दे रखा हो बीच में एक जना बैठा रखा हो तो टोटल निकाल दिया आपने दूसरा दो जने हो साथियों दो जने हो आप लोगों के और दो जनों के बीच में कुछ लोग हो तो मैक्सिमम मिनिमम तीसरा साथियों दो जने हो ए इधर हो बी इधर हो आप लोगों ने क्या काम करा इंटरचेंज कर दी इसकी पोजीशन ए इधर बी इधर आ गया ए इधर आ गया इंटरचेंज वाला क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी साथियों अब इसमें पीछे हटेगा सभी भाइयों को हर प्रकार के प्रश्न रैंकिंग ऑर्डर के करा दिए इससे ज्यादा सिलेबस में आता नहीं है इंटरचेंज वाला रह गया संदीप जी डन हो जाएगा कल लेवल एक कदम फिर से ऊपर उठा देंगे आज तुम लोगों की मुझे लगता है रोज सेशन करने से कुछ ना कुछ बेस्ट जरूर होता है और लाइक कर कर जाना सेशन में इस प्रश्न का उत्तर करके जाना आंसर करना सभी के सभी साथी एक पंक्ति में ए साथियों दाएं छोर से दाएं छोर से सोलवे नंबर पर है हाँ भाई बी बाएं छोर से साथियों बाएं छोर से बाएं छोर से साथियों बाएं छोर से 11 नंबर पर है कितने नंबर पर है ग्यारह नंबर पर यदि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में मिडिल में साथियों मिड में साथियों तीन लोग हैं कितने हैं जी तीन तो आपको तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताने हैं ठीक है ये मैक्सिमम और मिनिमम साथियों ये प्रश्न आपको घर से देकर जा रहा हूं तो आई थिंक आज का सेशन कैसा लगा आप लोग सबके सब, सब बताइए बाबू कैसा लगा सेशन बताओ सारे के सारे जिस भी भाई ने एग्जाम्पल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना ठीक है आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में देकर जाना थैंक यू सो मच आप सभी का फिर से मिलेंगे दो बजे वाली प्यारी सी क्लास में उसका लेवल ऊपर कर दूंगा आज मैं ठीक है ध्यान रखो खुश रहिए बड़ो की जो छोटो का आदत प्यार बनाए रखो ऑल द बेस्ट साइनिंग ऑफ